तो गाइस इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपने किसी का थोड़ा बहुत कंटेंट आपने यूज़ किया है और आपको कॉपीराइट क्लेम मिल चुका है, तो उस पार्ट को आप कैसे डिलीट कर पाओगे, उस पार्ट को कैसे आप कट करोगे अपनी अपलोडेड वीडियो से। तो इस वीडियो में आप बने रहें, मैं आपको बताऊँगा कैसे आप कॉपीराइट क्लेम को आप हटा सकते हैं उस वीडियो के पार्ट को ट्रिम करके। तो सबसे पहले उस वीडियो को ले लेना है जिस वीडियो का आपको कॉपीराइट क्लेम मिला है। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मुझे जिस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम मिला है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके उनकी डिटेल भी आप जान सकते हैं, किसने आपको कॉपीराइट क्लेम दिया है, किस कंपनी ने आपको दिया है, मेल आईडी वगैरह आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो सिंपली हमें जाना है सेटिंग्स में और हमें उस वीडियो पर क्लिक करना है एडिट पर, जहाँ पर हमें उस वीडियो के पार्ट को डिलीट करना है, कट करना है, ट्रिम करना है। तो सिंपली हमें चले जाना है वीडियो को ओपन करके उसके एडिटर पार्ट में। तो जैसे ही मैं एडिटर पार्ट पे क्लिक करता हूँ तो सारा इंटरफेस ऐसा खुल जाता है। तो मुझे वो वाला पार्ट यहाँ पे ट्रिम करना है। सबसे पहले मैं डेस्कटॉप साइड पर खोल लेता हूँ, ये आपका बिल्कुल लैपटॉप कंप्यूटर जैसा ही दिखाई देगा। तो जैसे ही ओपन हो जाता है हमें उस पार्ट को सिलेक्ट करना है, सबसे पहले ट्रिम करना है, देख लेना है कहाँ तक आपका पार्ट है, आप तो कोई गलती ना करें, अपना खुद का जो ओरिजिनल पार्ट है उसको ना डिलीट कर ले, इसलिए आपको चेक करना होगा। आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं अपनी वीडियो के लिए, अच्छे चेक करने के बाद उस पार्ट को आपको डिलीट करना है जो पार्ट आपका कॉपीराइट है, जिस पे आपको क्लेम मिला है, जिसको आपको ट्रिम करना है। अब मुझे दो तीन बार चेक करने के बाद ये देखना होगा मेरा जो पार्ट है वो सही से सिलेक्ट हो चुका है या नहीं हो चुका है। उसके बाद मैं उस पार्ट को जो है सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, उस टाइमलाइन पे मैं इस कर्सर को रखता हूँ और उसके बाद मुझे सिलेक्ट करना है या फिर टिक करना है ट्रिम पे। जैसे मैं ट्रिम पे क्लिक करता हूँ तो नीचे आ जाएगा स्प्लिट, तो आपको सिंपली स्प्लिट पे क्लिक करना है और जहाँ तक आपका पार्ट सिलेक्ट हो चुका है उसको खींच के वहाँ तक स्टार्टिंग में मिला देना है, जहाँ भी जो भी पार्ट आपका कॉपीराइट है तो खींच के उसको मिला देना है जो आपका कॉपीराइट पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा आएगा प्रीव्यू, तो सिंपली प्रीव्यू पे क्लिक करना है तो वो आपका जो पार्ट है वो आपको दिखने लगेगा। और उसके बाद आपको करना है सेव, सेव पे क्लिक करने के बाद आपकी जो वीडियो है जो कॉपीराइट पार्ट है वो आपका ट्रिम हो जाएगा और प्रोसेस में चला जाएगा, इससे आपका कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। अब आपकी वीडियो जो है प्रोसेस में चली गई है और 24 आवर्स के बाद आपकी जो वीडियो है ट्रिम हो जाएगी और आपका कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा, आप अपनी चैनल अपनी वीडियो को मोनेटाइज कर पाएंगे, एड्स लगा पाएंगे। तो गाइस बस यही था इस वीडियो में, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पहली बार तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर हमेशा आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को पूरी ही वाच किया कीजिए, क्योंकि पूरी वाच करने से आप लोगों को भी मुझे भी दोनों को फायदा होगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।